वेस्टर्न घाट पर स्थित नेचुरल प्राचीन समुद्र तट, पूजा स्थल और चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, गोवा एक ऐसी जगह है जो अपने आप में ही यूनिक है। गोवा पूरे साल भर दुनिया भर के ट्रेवलर को आकर्षित करता है। आज की वीडियो में हम भारत के स्वर्ग गोवा में छिपे हुए रत्नों के बारे में जानेंगे। पुर्तगाल उपनिवेश के रूप में अपने समृद्ध इतिहास से लेकर अपनी सांस्कृतिक और लुभावने दृश्यों तक गोवा की अपनी एक कहानी है। क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा तटीय राज्य 4 शताब्दियों से अधिक समय तक पुर्तगाल शासन के अधीन था। भारतीय और यूरोपीय प्रभाव के इस मिश्रण ने गोवा की वास्तुकला, भोजन और जीवन शैली पर एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन ये सिर्फ इतिहास और भोजन के बारे में नहीं है। गोवा अपने त्योहारों, बाजारों और पारंपरिकता के साथ जीता है। इस वीडियो में हम जानेंगे गोवा के उन तथ्यों के बारे में जो आप में गोवा घूमने की लालसा को प्रेरित करेंगे। तो चाहे आप एक ट्रेवलर हों, एक इतिहास प्रेमी या बस दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहने वाले कोई इंसान, आप सबके लिए हमारे पास कुछ नया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, एक वर्ल्ड फेमस हेडफोन पार्टी जो कि गोवा में होती है, वो पेलोलम बीच के पास नेपच्यून पॉइंट पर साप्ताहिक रूप से आयोजित की जाती है। दूसरा, जागोर गोवा का ट्रेडिशनल लोक नृत्य नाटक है जो कुछ हिंदुओं और ईसाई समुदायों द्वारा अच्छी फसलों के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए किया जाता है। तीसरा, फेनी गोवा की लोकल शराब है जो वहीं बनती है, ये विशेष रूप से गोवा के लिए है और दो प्रकार की होती है, काजू फेनी और नारियल फेनी। चौथा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3,702 स्क्वायर किलोमीटर में है। पांचवा, गोवा में 7,000 से अधिक बार हैं, देसी शराब के साथ साथ विदेशी शराब भी बेचने का लाइसेंस इन्हें प्राप्त है। छठवां, गोवा में यूनिक मोटरसाइकिल टैक्सी सेवाएं चलती हैं। 1980 में गोवा मोटरसाइकिल टैक्सी राइडर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सातवां, कैथेड्रल चर्च पुर्तगाली शासकों द्वारा निर्मित एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। इसका निर्माण 1562 में शुरू हुआ था और 90 साल बाद ये पूरा हुआ था। आठवां, चामका गोवा का देसी समोसा है, ये एक लोकप्रिय नाश्ता है। इसमें मैदे के अंदर आमतौर पर चिकन, सुअर का मांस, बीफ या सब्जियां भरी जाती हैं। नौवां, पुर्तगालियों ने लगभग 450 सालों तक गोवा पर शासन किया। इनका शासन 17 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना द्वारा गोवा पर आक्रमण के साथ समाप्त हुआ। दसवां, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया गया था। इसे 1556 में सेंट पॉल कॉलेज में स्थापित किया गया था। 11वां, नेशनल एविएशन म्यूजियम एशिया में अपनी तरह का एकमात्र म्यूजियम है। यहाँ सेवा मुक्त किए गए विमानों को रखा जाता है। 12वां, गोवा में कोकड़ी भाषा ज्यादातर बोली जाती है और इस भाषा को 5 अलग अलग लिपियों में लिखा जा सकता है। पहला देवनगरी, दूसरा रोमन, तीसरा कन्नड़, चौथा मलयालम और 5वां अरबी। 13वां, गोवा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करता है जिसमें सभी निवासियों को उनकी जाति, धर्म या भाषा की परवाह किए बिना एक ही कोड द्वारा शासित किया जाता है। 14वां, तियात्र एक सदी से भी अधिक पुराना गोवा का एक लोकप्रिय कला रूप है जिसमें गीत और नाटक को परफॉर्म किया जाता है। ये पुर्तगाली शब्द त्रीटो से लिया गया है जिसका मतलब थिएटर होता है। 15वां, अर्बलेम गुफाओं को पांडव गुफाएं भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ रुके थे। 16वां, 1961 से पहले पैदा हुए गोवा वासियों को जन्म के आधार पर पुर्तगाली के रूप में रजिस्टर किया गया है, ये उन्हें पुर्तगाली नागरिकता का पात्र बनाता है। 17वां, गोवा के मूल निवासी को अंग्रेजी में गोवा, कोकड़ी में गोएकर, पुर्तगाली में गोज या गोएसा और मराठी में गावेकर कहा जाता है। 18वां, आदिल शाह का महल गोवा की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है जो अब भी वहाँ है। इसका निर्माण बीजापुर के मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल शाह द्वारा लगभग 1500 के दशक में किया गया था। भारतीय और पुर्तगाली संस्कृतियों का मिश्रण, सूरज, समुद्र और चारों तरफ नेचुरल हवाएं, रेत से मीठा, गोवा की सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। अगर इतना सब कुछ जानने के बाद हम अब भी कुछ गोवा के बारे में भूल रहे हों तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।